आज अंकित का बर्थडे था। शाम को पार्टी थी तो अंकित और उसका परिवार उसकी तैयारी में जोरों शोरों से लगा हुआ था। शाम होते होते मेहमान भी आने लगे, फिर सभी ने बड़े धूमधाम से अंकित का बर्थडे सेलिब्रेट किया। उस पार्टी में अंकित का एक दोस्त भी आया हुआ था जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अंकित ने उससे पूछा, तू ठीक तो है ना? तो उसने खांसते हुए कहा, बस थोड़ी सी बुखार है और कुछ नहीं। पार्टी खत्म हुई तो सभी लोग अपने अपने घर चले गए। इसके कुछ दिनों बाद अंकित की भी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार आने लगे थे और उसकी खांसी भी रुक नहीं रही थी। बिगड़ते हालात को देखते हुए उसके परिवार वालों ने उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे तुरंत आइसोलेट चैम्बर में डाल दिए और COVID-19 का टेस्ट करने को कहा। जब रिपोर्ट आया तब पता चला वो टेस्ट पॉजिटिव निकला। इसका मतलब वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुका था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस वायरस ने अंकित की जान ले ली और अंकित ने जिन जिन लोगों को छुआ था वो लोग भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। उनमें से कुछ लोग अभी अस्पताल में एडमिट है, पर कुछ लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं। उन लोगों ने किसे छुआ ये किसी को नहीं पता। पर दोस्तों, मेरी आपसे अनुरोध है कि आप लोग अंकित जैसे गलती ना करें। इस वक्त माहौल बहुत खराब है दोस्तों। हमारे आंखों के सामने चाइना, इटली जैसे कई और देशों में लोग हजारों की तादाद में मर रहे हैं, और ऐसा सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इस वायरस को हल्के में लिया था, और अब हम भी वही गलती दोहरा रहे हैं जिसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। तो प्लीज इस वायरस को आगे और बढ़ने ना दें और उन सभी नियमों का पालन करें ताकि आप और आपका परिवार इस वायरस से इंफेक्टेड ना हो। इससे पहले आप जान लें इसके सिम्टम्स के बारे में। तेज बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, कभी कभी सर दर्द, जोड़ों में दर्द और गले में खराश जैसे चीजें भी दिखाई दे सकती है इसके लक्षण में। कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कुछ लोग इस वायरस से इंफेक्टेड होने के 4 या 5 दिन बाद इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ऐसे में उन लोगों को पता ही नहीं होता कि वो इस वायरस से इंफेक्टेड है। जरा सोचिए, ऐसे लोग अनजाने में ही इस वायरस को दूसरे लोगों तक पहुंचा देते हैं। इसलिए सावधानी बरतें, इससे बचने के लिए दिए गए प्रिकॉशंस का पालन करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ट्रेन, मेट्रो आदि का इस्तेमाल ना करें। शादी या फिर किसी समारोह वगैरह जहां ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हों वहां जाने से बचें। कोशिश करें घर से कम ही निकलने को, और घर से जरूरत पड़ने पर बाहर जाएं और जाते वक्त दूसरे लोगों से कम 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने हाथों को साबुन या हैंड वॉश से बार बार धोएं, और ये सब ना होने पर अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और इससे जुड़ी